नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के नारायण नगर में स्थित 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बी समवाय की चौकी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा नगला तराई के दमगड़ा प्राथमिक विद्यालय में 57वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट ब्रजपाल सिंह नेगी के निर्देश के क्रम में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मानव चिकित्सा पशु चिकित्सा शिविर, कृषि उपकरण वितरण और खेलकूद सामग्री वितरण शिविर लगाया गया। वहीं इस दौरान मानव चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार और दवाइयाँ वितरित की गयी। साथ ही पशु चिकित्सा शिविर में सीमावर्ती पशुपालकों को पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गयी। वहीं इस क्रम में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उप कमांडेंट सुविंदर अंबावत, नारायण नगर कंपनी प्रभारी आनंद सिंह भंडारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 50 सीमावर्ती गरीब किसानों और जरूरतमंदों को फावड़ा, दराती, खुरपी, गैती आदि कृषि यंत्र बांटे गए। उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने व अपना महत्वपूर्ण सहयोग करने के लिए है। इसी क्रम में एसएसबी की 57वीं वाहिनी 2013 से इस क्षेत्र में स्थापित होने के बाद अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसमें मुख्यतः जो गांव शामिल हैं, नगला तराई, ससैया, मेलाघाट, दमगड़ा, गड़ीगोट, देवीपुरा, बनबसा, थपियाड़ खेड़ा, उचौली गोट, गेंदा खाली, सलोनी गोट आदि सीमावर्ती गाँव में हम लगभग अपने प्रोग्राम कवर कर चुके हैं। सीमा क्षेत्र के विद्यालयों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, शौचालयों का निर्माण, मोटर पानी की व्यवस्था, फर्नीचर आदि का वितरण भी वाहिनी के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। छात्र छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटरों का वितरण आदि भी किया गया है। तथा जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण, जिसमें अभी तक लगभग हमारी वाहिनी द्वारा 135 सिलाई मशीन गरीब परिवारों को वितरित की जा चुकी है। ग्राम सभा नगला तराई के दमगड़ा गाँव में एसएसबी की तरफ से जन कल्याण जो योजना इन्होंने चलाई है, इसमें कुछ ग्रामवासियों को खेलकूद, स्पोर्ट्स का सामान और कृषि यंत्र वितरित किया गया है और समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं एसएसबी की तरफ से। इससे गांव की जो जनता को है कुछ लाभ मिल जाता है, कुछ दवाएं वितरित की जा रही है, इसमें पशुओं और मानव के लिए, मनुष्य के लिए तो डॉक्टर टीम इनकी आई है एसएसबी की तरफ से, तो इससे हमारी ग्रामीण जनता को काफ़ी लाभ मिलता है और ऐसे कार्यक्रम हर समय समय पर एसएसबी की तरफ से होते रहते हैं, इससे हमारी ग्राम सभा की जनता को काफ़ी लाभ मिलता है। आपका नाम? दिनेश कोहली, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।